नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को रोकने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है। एक तरफ प्रियंका गांधी की राजनीति में आने के बाद सभी पार्टियों के खेमे में खलबली मच गई है, तो वहीं दूसरी ओर उससे भी ज्यादा हैरानी जब हुई तब रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर पोस्ट करके चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करी। आपको बता दें, प्रियंका गांधी के पति और राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा पर नया आसमान टूट पड़ा है। जी हाँ, इससे पहले कि हम आपको पूरी जानकारी के बारे में बताएं, उससे पहले आपके लिए रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कुछ जानकारियां जान लेना जरूरी है। भले ही राहुल गांधी अपनी हर रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चौकीदार चोर है के नारे लगाते हों, लेकिन हाल ही में राहुल का ये दाव उनके जीजे रॉबर्ट वाड्रा पर उल्टा पड़ता तब दिखा जब ये मामला हुआ। रॉबर्ट वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने चौथी बार जब पूछताछ की तो पूछताछ में लंदन समेत उनकी तमाम संपत्तियों की जानकारी ली गई। 20 फरवरी को रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। वाड्रा से करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ चली। पूछताछ के बाद वाड्रा बाहर निकले तो उनके समर्थक ईडी के बाहर प्रियंका गांधी जिंदाबाद और कुछ लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा चौकीदार चोर है के नारे लगाए। इस बात से नाराज ईडी के वकील ने पिछली सुनवाई में कोर्ट से कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा भीड़ की शक्ल में बारात लेकर आते हैं। बताते ये भी चले कि रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन में 9 से ज्यादा संपत्ति होने का आरोप है, लेकिन वो इन सभी बातों से इनकार करते आए हैं। इतनी बार तो राम मंदिर को लेकर भी सुनवाई नहीं हुई जितनी बार रॉबर्ट वाड्रा को लेकर हो चुकी है। ताजा जानकारी इस बात की भी है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा भेजे गए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तारी से दिए गए संरक्षण की तारीख 19 मार्च तक बढ़ा दी है, जो कि कांग्रेस के लिए एक खुशी की बात है। कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा को बहुत बड़ी राहत दी है। ईडी के इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से 7 बार पूछताछ हो चुकी है। इससे पहले राजस्थान और हरियाणा में जमीन के कई सौदों को लेकर भी वे आरोप में घेरे गए हैं। और आज ही हुई रैली में पीएम मोदी पर राहुल गांधी बोलने से नहीं चूके कि चौकीदार चोर है। माना ऐसा जा रहा है जैसे गांधी परिवार ने ये नारा रट ही लिया हो, इसलिए वो इस बात का जिक्र हर रैली में करने से नहीं चूकते। राहुल गांधी ने पुलवामा हमले से लेकर एयर स्ट्राइक पर मोदी सरकार पर निशाना दागा। दर्शक इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।